रावण के अधूरे सपने। क्या आपको पता है रावण के अधूरे सपने क्या थे? समुद्र का खारा पानी मीठा करना। रावण समुद्र के खारे पानी को भी मीठा करना चाहता था, ताकि दुनिया में कभी भी पानी की कमी ना हो और कोई प्यासा ना मरे। लेकिन ऐसा करने से पहले ही रावण की मृत्यु हो गई थी। स्वर्ग तक की सीढ़ी। इंसान को मरने के बाद ही स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है, लेकिन रावण इस नियम को तोड़ना चाहता था, जिसके लिए उसने स्वर्ग तक एक सीढ़ी बनाने की योजना बनाई, जिनकी मदद से जीते जी स्वर्ग तक पहुंचा जा सकेगी। लेकिन इस कार्य को पूरा करने से पहले ही उसकी श्री राम के हाथों मृत्यु हो गई थी। सोने को सुगंधित बनाना। यहाँ बात तो सभी को पता है कि रावण को सोने से बहुत लगाव था, तभी उसने पूरे सोने से जड़ित लंका का निर्माण करवाया था। रावण असली सोने की पहचान के लिए सोने को सुगंधित बनाना चाहता था। मदिरा को सुगंध रहित बनाना। रावण अगर कुछ दिन और जीवित रहता तो मदिरा को गंधहीन बना देता। रावण की चौथी इच्छा थी कि मदिरा में कोई गंध ना हो, जिससे सभी लोग मदिरा पान का आनंद ले सके। दुनिया के सारे लोग गोरे हो जाए। रावण खुद काला था, इसलिए वो चाहता था कि धरती पर मौजूद सभी काले लोगों का रंग गोरा हो जाए, ताकि रंग की वजह से कोई भी उनका अपमान ना कर सके। यह भी कहा जाता है कि रावण ने काल को अपने पलंग के पाय के साथ बांध कर रखा था। उसकी नाभि में अमृत था। यह बात उसके भाई विभीषण को छोड़कर किसी को भी नहीं पता था। सोचिए, यदि रावण अपनी शक्तियों के बलबूते अपने ये सपने सच कर लेता, स्वर्ग तक सीढ़ी बन जाती, सोने में सुगंध भर जाती, समुद्र का खारा पानी मीठा हो जाता, मदिरा की दुर्गंध दूर हो जाती और दुनिया के सारे लोग गोरे हो जाते, तो इस दुनिया का क्या रूप होता? सोचना बहुत रोचक लग सकता है, लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। रावण का इन सपनों के पीछे मकसद कुछ भी रहा हो, उनका सच ना होना ही मानव और मानवता के लिए उचित था। अगर पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें।